आधी छोड़ पूरी धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। हेलो किड्स, मैं शबीना टीचर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कौवे और एक लोमड़ी की कहानी। कौवे और लोमड़ी की कहानी में आप जान पाएंगे कि लोग किस तरह से धूर्त होते हैं, और अगर कोई आपकी ज़्यादा तारीफ करे तो आपको पहले ये देखना है कि आप उसकी प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं। एक बार एक कौवे को कहीं से आधी रोटी मिली, वो उसे अपनी चोंच में दबा के लाया और एक पेड़ की डाल पे जाके बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि जब मुझे बहुत तेज भूख लगेगी तब मैं इस रोटी को खाना शुरू करूँगा। कुछ देर वो बैठा रहा, तभी उस जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी जो बहुत देर से भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी और उसे खाने को मिला नहीं था, वो भूखी भी थी। वो घूमते घूमते उस पेड़ के पास आई जहाँ वो कौवा बैठा हुआ था। उसकी नज़र कौवे की चोंच में दबी हुई रोटी पर पड़ी। उसने कौवे की तरफ देखा। अब उसने सोचा कौवे से ये रोटी कैसे ली जाए। वो थोड़ी देर विचार करती रही, फिर उसने कौवे की तरफ देखा और कहा, अरे कौवे महाराज, आज आप शांत क्यों बैठे हो? आपको तो कुछ बोलना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। ऐसा करो कि आप एक गीत मुझे सुना दो। कौवा सोचने लगा, आज तक तो किसी ने मुझसे ये कहा नहीं कि मैं गीत गाता हूँ। लोमड़ी फिर उससे दोबारा बोली, अरे कौवे महाराज, मैं आपकी तो सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए पूरे जंगल से यहाँ आई हूँ। एक काम करो कि आप अपनी मधुर आवाज़ में मुझे एक गीत सुना दो। कौवे को लगा, मुझे बात यह आज तक पता ही नहीं थी कि मेरी आवाज़ इतनी मधुर है। कौवा ये भूल गया कि उसके मुंह में रोटी दबी हुई है और उसने चोंच खोल के गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, उसकी चोंच में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी जैसे ही नीचे गिरी, लोमड़ी उसे मुंह में दबा के भाग गई। कौवे ने देखा, फिर उसे थोड़ी देर बाद समझ में आया कि लोमड़ी ने उसके साथ चालाकी की है, और इस चालाकी में ये हुआ कि कौवे की आधी रोटी भी चली गई। इसलिए हमेशा ऐसे धूर्त और चालाक लोगों से सावधान रहें। मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।